नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है, कहीं बारिश से राहत तो कहीं परेशानी लगातार हम देख रहे हैं, कहीं पर गर्मी है। प्रदेश के 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी ये कहा जा रहा है। 24 से अधिक जिलों में वज्रपात की चेतावनी दी गई है। बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दतिया प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा है। अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है दतिया में, और कई सारे जिलों में भी लगातार जो है गर्मी बढ़ भी रही है, पर कई जगह बारिश का भी अनुमान है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, कभी हम बहुत ज्यादा गर्मी देख रहे हैं और बीच में हमने बारिश भी देखी। एक बार फिर से अलर्ट जारी, कई सारे जिलों में बारिश भी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में दोनों तरह के रुख आप देख पाएंगे। दरअसल करीब 12 से 14 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट भी है बारिश का, और ये बारिश परेशानी का भी सबब बन सकती है। दिन में बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, जबलपुर ऐसे कुछ और जिले हैं, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी। लेकिन जब आप इसके दूसरे पहलू को देखेंगे तो फिर वही बात आएगी, ग्वालियर, चंबल, वाली बेल्ट, जहां पर पारा जो मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि हीट वेव चलेगी, 45 के आसपास पारा रहेगा। आप बता भी रही थी अभी दतिया ग्वालियर चंबल बेल्ट का ही हिस्सा है, और दतिया का टेम्परेचर भी 45 से ऊपर जा पहुंचा, 46 से भी ऊपर जा रहा है। और यही स्थिति अगर आप और दूसरे उस पूरे बेल्ट को देखेंगे तो लगभग 45 के आसपास ही टेम्परेचर वहां पर चल रहा है, और हीट वेव भी चल रही है। हालांकि ये जो दौर है लगभग एक हफ्ते तक रहेगा, और इसके बाद अगर हम कहें तो 9 तपे शुरू हो जाएंगे। 9 तपे, हालांकि वैज्ञानिक उसको पुष्ट नहीं करते हैं, वैज्ञानिकों, मौसम विज्ञानी के हिसाब से 9 तपा जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जब ये एक हफ्ता खत्म होगा इसके बाद 9 तपे भी तपाएंगे, और मॉनसून के लिए जरूर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, यानी कि राहत के लिए आपको 15 जून के बाद तक इंतजार करना होगा। अभी इसी तरह का मौसम अप एंड डाउन, क्या कहें कि अटखेलियां करता रहेगा, कहीं मौसम हल्की बूंदाबांदी भी होगी। तो कहीं बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, हरदा का जिक्र करेंगे। स्वास्थ्य